खाएं ये फल बरसात में बीमारियों से बचने के लिए, जो रखेंगे आपको स्वस्थ। बरसात का मौसम आते ही कई सारी बीमारियां भी साथ लेकर आता है और इस मौसम में इन्फेक्शन होने का खतरा भी होता है। इस मौसम में अगर अपनी हेल्थ को गंभीरता से नहीं लिया तो आप यकीनन ही तकलीफों को खुला न्योता दे रहे हैं, और उनसे निपटने के लिए जरूरी है इस मौसम में आप अपने खान पान का खास ख्याल रखें। इस मौसम में ज्यादातर बीमारियां पानी से जुड़ी होती हैं। ऐसे में आपको मानसून या बरसात में बीमारियों से बचने के लिए कुछ ऐसे फलों को डाइट में लाना चाहिए जिससे आप हमेशा स्वस्थ रह सकें। वैसे तो इस मौसम में बीमारियों से बचने के लिए कई तरह के फल खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ खास फल हैं जिन्हें इस मौसम में खाने से आप न केवल बीमारियों को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं बल्कि अच्छी हेल्थ भी पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्तिक हेल्थ केयर में। नंबर 1, पपीता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। पपीता सभी फलों में सबसे पसंदीदा नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें कई ऐसे स्वास्थ्य गुण हैं जो इसे अन्य फलों से आगे रखता है। यह पाचन में सुधार लाने, दांतों को राहत पहुंचाने, बॉडी की इम्यूनिटी में सुधार और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसे हर मौसम में खाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। यदि बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बढ़ानी है तो नियमित रूप से इसे लीजिए, लेकिन लिमिटेड मात्रा में ही, हद से ज्यादा नहीं। नंबर 2, नाशपाती या पेर। यह विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स और घुलनशील फाइबर से भरपूर एक नर्म और मीठा फल है। बरसात के मौसम में लोग इसको बहुत खाते हैं। इस मौसम में नाशपाती खाने से बीमारियां दूर भागती हैं। वजन घटाने, पाचन में सुधार लाने, दिल की सेहत में सुधार लाने, ब्लड प्रेशर को कम करने आदि चीजों में नाशपाती फल बहुत ही काम का फल है। यह फल न केवल मानसिक स्वास्थ्य और हड्डियों की मजबूती के लिए लाभदायक है बल्कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी काफी है। पेर खाने से कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हृदय रोग होने की संभावना कम होती है। नंबर 3, जामुन। ये एक और मानसून सीजन का फल है। बरसात में बीमारियों से बचने के लिए जामुन फल की कोई तुलना नहीं है। काले काले रसीले जामुन में यूं तो कैलोरी की मात्रा कम होती है, फिर भी डायरिया और गठिया जैसे रोग को सही करने के लिए यह एक आयुर्वेदिक दवा का काम करता है। यह पेट में दर्द, मल जल और पेशाब संबंधित विकार को दूर करने में मदद करता है। यह अल्सर, दस्त और दिल की बीमारियों जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं को कंट्रोल करता है। बरसात में बीमारियों से दूर रहना है तो इसे रेगुलरली खाएं। डायबिटीज के रोगियों के लिए अमृत माना जाने वाला जामुन हमारे खून को साफ करता है, जिससे स्किन को नया ग्लो मिलता है। नंबर 4, लीची। लीची तो इस मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल है। यह शरीर में रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के साथ वजन घटाने का भी काम करता है। चेहरे पर निखार लाने वाले इस फल को आप मानसून में खाइए, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। विटामिन्स, मिनरल्स और अन्य न्यूट्रिशियस एलिमेंट से भरपूर लीची डायबिटीज, सूजन और तनाव में बहुत ही काम का फल है। नंबर 5, आड़ू। सेब जैसा दिखने वाला आड़ू का बाहरी रंग पीला और इसका अंदर का बीज कठोर होता है, जो इसे सेब से बिल्कुल अलग कर देता है। इसमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज और फास्फोरस होते हैं, जो शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। आड़ू में कम कैलोरी होती है। इसमें कोई सैचुरेटेड फैट्स या कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और यह फाइबर का अच्छा सोर्स है। मानसून के मौसम में इसको डाइट में जरूर लाएं। नंबर 6, चेरी। बरसात के मौसम में रोज चेरी खाने से कई सामान्य बीमारियों से बचा जा सकता है। साथ ही चेरी में सिरदर्द और नींद ना आने की समस्या से भी निजात मिलती है। नंबर 7, अनार। अनार एक ऐसा फल है जो लगभग हर मौसम में मिलता है, लेकिन खासकर मानसून सीजन में अनार के फायदे जरूर उठाने चाहिए। यह फल विटामिन का अच्छा सोर्स है, खास तौर से विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई के साथ इसमें फोलिक एसिड पाया जाता है। अनार के रस में हाई लेवल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसका सेवन न केवल सेहत बल्कि चेहरे में निखार और स्किन को सुंदर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। डायरिया बरसात के मौसम में सबसे आम है, उसमें अनार घरेलू उपचार के रूप में जरूर आजमाना चाहिए। नंबर 8, केला। केले में ढेर सारा विटामिन और मिनरल होता है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, आयरन, फोलेट और नियासिन से भरपूर केला वजन घटाने,
मोटापे को कम करने, बोवेल सिंड्रोम यानी कि आंतों से जुड़ी बीमारियों के इलाज और कब्ज से राहत देने में मदद करता है। इसे बरसात के मौसम में जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, आप किसी अन्य विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इन आठों में से आपका फेवरेट फल कौन सा है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करें, इसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दें। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी मिस कॉल करें। हमारे अन्य रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियोस पर क्लिक करें। धन्यवाद।